पाकिजा दीदी ने बहुत अच्छी स्पीच दी, हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली क्यों उन्होंने बहुत अच्छा खेला है. इट वॉज वेरी गुड. आई मीन आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई गॉट अ चांस थैंक्स टू पाकिजा मैम हु मोटिवेटेड अस. जो मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो मैंने उनका एटीट्यूड चेंज होते हुए देखा वो सबसे ज्यादा प्राउड की फीलिंग थी. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं हूं समानिया आपके अपने फेवरेट रेडियो चनार 90.4 एफएम से और आज हम आए हैं एजीएस हांजे के गोस्वामी मार्शल आर्ट्स एकेडमी में. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर क्योंकि आज यहां पर हम सेलिब्रेट करने जा रहे द पावर ऑफ एन इनक्रेडिबल गर्ल. एक ऐसी लड़की जिनके स्किल्स, जिनका पोटेंशियल, जिनके अचीवमेंट्स हम सबके लिए एक पावरफुल रिमाइंडर हैं. अगर आप में पोटेंशियल है तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर पाएंगी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर. वल बात कर रही हूँ मैं सुपर गर्ल नेशनल वुशु एथलीट द डॉट ऑफ द सॉइल पाकिजा कुरैशी की. आज पाकिजा कुरैशी एजीएस हांजिक में अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करेंगी एंड शी विल बी गिविंग अ मोटिवेशनल लेक्चर दैट विल श्योरली लीव अस ऑल फीलिंग एम्पावर्ड. लेट्स गो. मेरा नाम पाकिजा कुरैशी है, मैं हंदवाड़ा से हूँ. हंदवाड़ा का नाम आपने सुना है? मैं हंदवाड़ा से हूँ. मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की है सेवन स्टैंडर्ड से स्टार्ट की है. उससे पहले स्टार्ट करती बट हमारे वहाँ के एरिया में जो था वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही थी जैसे आज हो रही है. सो पहले मैं एक वेरी ड्रीम्स खेलती थी कि ऐसी कराटे खेलूँ, कूडो खेलूँ, एक वेरी अकेडमी में. फिर मुझे टाइम बाई टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ. फिर एक हमारा वहाँ पे इंडोर स्टेडियम इनाग्रेट हुआ, हीरो इंडिया सेंटर इनाग्रेट हुआ. सपोर्ट्स काउंसिल मैम जो है सेक्रेटरी मैम वो वहाँ पे आई, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए. फिर मैंने अपनी गेम चेंज की. मैं कराटे वुशु से कराटे कूडो से मैं वुशु की ओर आई. और हमारे जो कोच भी है वो श्रीनगर के खासकर यहाँ से आते हैं हमारा हम ट्रेन करने. फिर भी आप अपने पेरेंट्स को
कैसे मोटिवेट हो? मतलब वो बिल्कुल नहीं मानते हो, आपको पता है कहाँ जाना है, जैसे की यहाँ पे भी देखें तो लड़कियों ने ज्यादा बोला लड़कों से, तो बहुत ही आगे जाती है, तो किसी के पहुँचते हैं क्योंकि वो बहुत सारे चैलेंज फेस करते हैं। तो मेरे आपके लिए भी मैसेज रही कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आएगी, जो भी आप टॉप आएंगे तो आप टॉप आगे रहते हैं, जो भी आप टॉप आए तो उनको आप ओवरकम करें और आगे बढ़े और अपनी लाइफ में कभी गिव अप ना करें। तो आपको वहाँ टाइम मतलब पढ़ाई थी, स्कूल भी जाना था और वो अभी मैं एनी प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी, पहले पहले मैं ज़्यादा एनी प्रैक्टिस करती थी और मॉर्निंग प्रैक्टिस करती थी। मतलब अगर स्कूल 7 बजे से 8 बजे स्टार्ट होता था तो मैं 5 ही बजे उठ के प्रैक्टिस करती थी। आपको ज़्यादा किसी ज़्यादा हर किसी मुझे हर किसी से सपोर्ट मिला, चाहे पेरेंट्स की बात करो, उन्होंने मुझे कभी ठुकराया नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, अगर कोई भी लोकल कंपटीशन होता था ऐसे राइटिंग सिंगिंग डांसिंग, वो बोलते थे कि आप पार्टिसिपेट करो क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे अंदर टैलेंट है। जैसे कि मतलब 6th स्टैंडर्ड में मेरे अंदर टैलेंट था, मुझे छुपा के रखा, तो 7th में वो उभर के आया और आज मैं इस मुकाम पे हूं। ताइक्वांडो हर एक बच्चे के लिए, मेरे ख्याल से जो कश्मीर की लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी, ये नहीं खाली कश्मीर की लड़कियों की मैं बात करूँगा, अगर हम देखेंगे मणिपुर नागालैंड डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में जो भी स्टेट हैं वहाँ की लड़कियों में इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंट है तो हम हैरान हो जाते हैं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है उनको उनकी। तो अब क्या होता है, अभी हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। नाम बताइए अपना। आलिया अजमत। ओके आलिया, आज यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीच हुई पाकीज़ा कुरैशी की, सो इवेंट कैसा रहा, हाउ वाज़ द फीलिंग? फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही थी और इवेंट भी बहुत अच्छा हुआ। और मतलब पाकीज़ा दीदी ने बहुत अच्छे स्पीच दी, हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और मतलब उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी कि गर्ल्स को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, हमें हमेशा लड़ना चाहिए। माय नेम इज़ ज़ाया तनवीर, आई एम फ्रॉम क्लास 7th। ओके ज़ाया, यहाँ पे आज जो इवेंट हुआ मोटिवेशनल स्पीच भी हुई एथलीट की, आप खुद भी खेलते हैं, सो हाउ वाज़ द फीलिंग? इट वॉज़ वेरी गुड, आई मीन आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई गॉट अ चांस टू कम लाइक टू प्ले and to know this art taekwondo, thanks to Pakiza ma'am who motivated us, who tell us that the self confidence is best, it is the key to reach everything. Like my parents matlab wo mujhe har jagah bhejte hai that you have to play, bas acha karna, like sharam karna. So matlab main unko proud feel karwana chahti hu. I want to play internationals, like main har jagah jana chahti hu, and of course I want to make my coach Sujat sir proud. Okay, so what would be your piece of advice, your message for the people जो कहते हैं कि आप लड़कियाँ अच्छा नहीं कर सकती? It's for them. तुम लोग क्या कर सकते हो? Like हम लड़कियों में दम है, we are better than boys, we can do anything. अगर लड़कियाँ करने पर आ गई तो वो भी best है. Like बस self confident रहो. जो भी लोग तुम लोगों को troll करते हैं उनकी बातों को like छोड़ो,
प्ले योर बेस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू बी यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. आप नाम बताइए. मुकीत नज़ीर. मुकीत आप बताइए, आज एक इवेंट हुआ मोटिवेशनल स्पीच हुई पाकीज़ा कुरैशी की, सी बीइंग अ बॉय कैसी फीलिंग थी जब एक लड़की सामने आती है और यू नो सीना तान के एंड जब उसने आपको मोटिवेट किया, सो हाउ वाज द फीलिंग, हाउ वाज द जोश? एक्चुअली इट वाज अमेजिंग. पहली बात तो शी वाज अ गर्ल हर सेल्फ और जो मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो मैंने उनका एटीट्यूड चेंज होते हुए देखा वो सबसे ज़्यादा प्राउड की फीलिंग थी. बीइंग अ बॉय आई डोंट यू नो विल गिव क्रेडिट टू गर्ल्स, आई विल हैव टू सपोर्ट बॉयज, बट जो मैंने अपनी जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स है जो उनका एटीट्यूड मैंने देखा जो लाइक हाँ हम बॉयज से काम नहीं है, क्या कर सकते हो कर लो, दैट वॉज अमेजिंग. ओके, तो आपको क्या लगता है ऐसे इवेंट से कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, स्पेशली पर्टिकुलरली अगर हम गर्ल्स की बात करें? पर्टिकुलरली अगर गर्ल्स की बात करें, स्पोर्ट्स खाली इसलिए नहीं होता है कि आप मेडल लाओ, आप सर्टिफिकेट लाओ सो योर पेरेंट्स कैन फील प्राउड अबाउट यू. इट्स अबाउट यू नो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. आई सॉ पाकीज़ा दी द वे शी वॉज स्पीकिंग, वो बेझिझक एक स्टेज पे इतने सारे बच्चों के सामने जिनसे कभी वो मिली नहीं है उनके सामने वो खुलकर बात कर रही थी. उनने अपना करियर बनाया, वो प्राउडली अपना नाम कह सकती हैं कि मैं पाकीज़ा हूँ. तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हो सकता है कल को मेरी सिस्टर या हो सकता है कल को मैं खुद ऐसे कुछ बच्चों के सामने हूँ जो हो सकता है मेरे से मोटिवेट हो जाएं. अभी जो इवेंट हुआ मोटिवेशनल स्पीच पाकीज़ा कुरैशी की हुई, सो हाउ वाज द फीलिंग, कैसा इवेंट रहा? इवेंट बहुत अच्छा था. पहली बात आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी और आप लोग जो आते हैं हमारा इंटरव्यू लेने वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लगता है. और मुझे फिज़ा दीदी से बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली क्यों उन्होंने बहुत अच्छा खेला है. जब वो सेवन्थ क्लास में थी उनको उतनी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ से, तो उन्होंने लड़ा अपने लिए मतलब और खेला. नाम बताइए. मेरा नाम मेहराब रफीक है, बेसिकली मैं हमदानी कॉलोनी बेमना से हूँ. जी, तो हम फ्रेशनर्स हैं टाइकोंडो प्लेयर जो आज हमारी ये नेशनल मेडलिस्ट और इंटरनेशनल मेडलिस्ट आई थी पाकिस्तान दी. मुझे इनसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मिला, जो इनने बातें बताई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ताकि मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती है जो घर में बैठते हैं, उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप आओ. खाली टाइकोंडो नहीं है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उनमें से आप आओ और खेलो और अपनी लाइफ बनाओ. अभी हमारे साथ है सईद शुजा जो AGS हांजिक में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और जो खुद इंटरनेशनल मेडलिस्ट रह चुके हैं टेक्वांडो. सर आज जो यहाँ पर इवेंट हुआ AGS हांजिक में जहाँ पर पाकीज़ा कुरैशी आई थी और आपकी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की, सो इवेंट ओवरऑल कैसा था? देखिए आपने खुद भी देखा हमारे बच्चों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है. जैसे पाकीज़ा जो इंटरनेशनल खेल के आई हैं या जहाँ जैसे कि हम तजमल इस्लाम या आफरीन हैदर जो भी स्टूडेंट्स आज तक हमारे जम्मू कश्मीर का नाम और इंडिया का नाम रोशन किया है, हम चाहते हैं आर्मी गुडविल हांजिक से भी ऐसे स्टूडेंट्स निकलने चाहे ताकि वो भी हमारे जम्मू कश्मीर और इंडिया का नाम रोशन करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है. तो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश रहेगी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक यहां के बच्चों को पहुंचाऊं. आप अपना नाम बताइए. इफ़त परवेज. ओके इफ़त, आज यहां पे इवेंट हुआ मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड, मोटिवेशनल स्पीकर भी आई थी, तो कैसी फीलिंग है, इवेंट कैसा था और क्या कुछ सीखने को मिला? पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे पाकीज़ा दी आई, इन्होंने भी आर्मी गुडविल बटकूट से पढ़ा और इन्होंने हमें मोटिवेट किया. उन्होंने हमें सिखाया कि जो गर्ल्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है अपने लाइफ में कि वो गिव अप करती है, तो इन्होंने कहा कि गिव अप नहीं करना है. इन्होंने अपनी एग्जांपल सामने दी कि जो हम गिव अप करते हैं जैसे कि सोसाइटी के रिलेटेड या बहुत सारे लोग टीज करते कि आप टाइकोंडो में जाते हो दैट्स नॉट गुड, मगर इन्होंने हमें सिखाया कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने ड्रीम को आगे तक पहुंचाना है, पैशन को फॉलो करना है. और मैं इनकी स्पीच से बहुत मोटिवेट हो गई हूँ. इवन मैं ये चाहती हूँ कि हर एक को अपने ड्रीम मतलब चूज करने का हक है, फॉलो करने का हक है हर एक को अपने ड्रीम का, क्योंकि फिर वो रिग्रेट इंसान को अपने तक होता है. तो इन्होंने हमें मतलब हिम्मत दी, हौसला दिया और इन्होंने कहा कि अपने ख्वाब की उड़ान आप कैसे कर सकते हो. बिल्कुल सही. राइट नाउ वी हैव विद अस द सुपर गर्ल, द डॉटर ऑफ द सॉइल, पाकीज़ा कुरैशी. पाकीज़ा आपका वेलकम है. थैंक यू मैम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो इवेंट यहाँ पर हुआ आपने मोटिवेट काफ़ी ज़्यादा बच्चों को किया, सो आपसे जानना चाहेंगे नाउ हाउ वाज़ द जोश, इवेंट कैसा था? इवेंट बहुत ही अच्छा रहा. मैं खुद पर्सनली बहुत ही यू नो मोटिवेट खुद भी हो गई बच्चों को देख के, क्योंकि बच्चों में वो एनर्जी थी गेम को रिलेटेड, वो कॉन्फिडेंस था जो मुझे बहुत ही पसंद आया.
और ख़ासकर बॉयज़ गर्ल्स दोनों में वो पॉजिटिव एनर्जी मैंने देखी। बॉयज़ गर्ल्स के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स बोल रहे थे कि लड़कियों को क्यों सीखना चाहिए, और गर्ल्स भी अच्छे अच्छा बोल रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे। राइट, अभी आपने जिस तरीके से यहाँ पे मोटिवेशनल लेक्चर दिया, बच्चों के साथ इंट्रैक्शन किया, और दिख रहा था कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा वो खुश थे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और मोटिवेट हो रहे थे। आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जो आप फॉस्टर करना चाहते हैं ऐसे इवेंट से, आपकी मोटिवेटेड लेक्चर से? पहले ही मुझे बच्चों का ये चीज़ अच्छा लगा कि जब भी मैं उनसे इंटरेक्शन कर रही थी तो वो पहले अपना कोच का नाम ले रही थी। दैट मीन्स उनको अपने कोच से बहुत ज़्यादा वो मोटिवेशन मिल रही है, वो कॉन्फिडेंस लेवल उभर रहा है अपने कोच को देख के। सो उनके कोच से मैं पहले भी मिली थी, सुजात सर से, और जब मैंने प्रैक्टिस देखी, डेमोन्स्ट्रेशन देखी और उनका वो परफॉर्मेंस देखा, उनका वो बोलने का अंदाज, वो सब कुछ गेम के रिलेटेड जो भी उन्होंने बोला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनके कोच जो है, उनके लिए जो इंटरेस्ट है गेम के लिए और बच्चों को जिस तरीके से सिखाते हैं, मुझे वो भी बहुत ही अच्छा लगा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके, AGS हांसिक में आके और इवेंट करके। सो ऐसे इवेंट्स जहाँ पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, अपनी लाइफ की इंस्पिरेशनल जर्नी आप शेयर करती हैं उनके साथ, आई एम श्योर कि यू नो अभी जिन्होंने भी आपको सुना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट श्योरली वो हो गए। एंड यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे आपकी मैसेज क्या रहेगी हमारी व्यूवर्स के लिए? मेरी मैसेज यही रहेगी व्यूवर्स के लिए कि आपका जो भी टैलेंट है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस एंड इंटरेस्ट, कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में जाइए और अपना जो टैलेंट है वो हाइड ना रखें। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो प्रोवाइड होते हैं हर किसी के लिए, चाहे कोई सिंगर हो, डांसर हो, एथलीट हो, हर किसी के लिए। तो अपना टैलेंट जो है वो आवाम के सामने पेश करें। थैंक यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। आज हम आए थे AGS हांसिक, जहाँ पर पाकीज़ा कुरैशी जो नेशनल वुशू एथलीट है, उन्होंने AGS हांसिक की स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, उनसे बात की एंड मोटिवेशनल लेक्चर भी दिया। एंड पाकीज़ा जैसी जो इंस्पायरिंग लड़की है हमारे आसपास, वो दिखा देती है कि अगर आप में कुछ करने की लगन है, अगर आप में पोटेंशियल है, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी अपने ड्रीम्स अचीव करने से। फिलहाल मैं आपको कहती हूँ गुड बाय। हम मिलेंगे रेडियो चुनार पर फिर से एक बार। आप रखिए अपना ख्याल। हम हैं टीम रेडियो चुनार एंड वी लव यू ऑल।